नाउ इज़ ही हाउ प्ले इन्फ्लुंसिस ब्रेन डवेलपमेंट देखिए जो फ्री प्ले है फ्री प्ले से मेरा मतलब यह है कि वो प्ले जिसके कोई कवानीन नहीं है कोई रेगुलेशन नहीं है कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है उसको हम फ्री प्ले कहते हैं यानी जो कुछ बच्चे किर्दगिर्द है जहाँ वो बैठा हुआ है वो खेल सकता है अब जो इस तरह का प्ले है वो बच्चों की जहनी नशो वनमा के लिए बहुत ज़रूरी है आप यूँ समझें कि 75 परसेंट ब्रेन जो है वो बच्चे का बाद में बनता है खेल के जरिए मुख्तलिफ इंट्रैक्शन के जरिए बाकी ब्रेन जो उसने पैदा होते हुए हासिल किया है उसके बाद एनवायरनमेंट और प्ले के ज़रिए जो वो सीख रहा है वो पचहत्तर फीसद सीख रहा है और फिर हम ये देखते हैं कि अगर हम एक दिन के अंदर बच्चे को खेल का मुनासिब वक्त नहीं देते तो उसकी जो ब्रेन की नशो नुमा है वो कम रह जाएगी और वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में अपनी कम परफॉर्मेंस का इजहार करेगा हम ये देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो ब्रेन के सर्कट्स हैं यानी आपने देखा है कि जो मुख्तलिफ तरह की लाइट्स पैदा होती हैं मुख्तलिफ ब्रेन सेल्स के बीच में जो एक सर्कट की तरह एक से दूसरे को पैगाम पहुँचा रही होती है नोड्स होती है, हैं पॉइंट्स हैं जहां से वायरिंग हो रही है और वो दूसरे पॉइंट्स को लाइट देते हैं और मैसेज देते हैं जब बच्चा पैदा होता है ये मैसेजेस कम और कहीं कहीं होते हैं जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ये मैसेजेस कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं एक वक्त आता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं उस कम्पलेक्सटी का फ़ायदा ये है कि बच्चा मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स के अंदर रिलेशनशिप पैदा करना शुरू हो जाता है रिलेशनशिप को जानना शुरू कर देता है अब इसका किस चीज़ पे है इसका उसके पे है उसके इंटरेक्शन पे है जितने ज्यादा चीज़ों से उसको आप इंटरेक्ट करवाएंगे मसलन एक बच्चा है उसने कभी जू नहीं देखा तो उसे क्या पता कौन सा जानवर कैसा है अगर आप उसको जू दिखाएंगे मुख्तलिफ जानवरों से मिलवाएंगे तो कभी फिर आप उससे बात करेंगे ज़िब्रे के बारे में या जिराफ के बारे में तो फौरन बोलेगा हाँ हाँ जेबरा इस तरह सा होता है उसके ऊपर लाइनें होती हैं और जिराफ तो बहुत ही लंबा था मैंने देखा हुआ है तो बात यह है कि वो ब्रेन के अंदर हमारे जो छोटे छोटे बॉक्सेस, सेल्स हैं जिनके अंदर कॉन्सेप्ट बनते हैं जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतने ज्यादा वो उसके सेल्स बनेंगे फिर हम ये कहते हैं कि बाय एंगेजिंग इन इम्पलसिव एंड अंडरस्टैंड प्ले द चाइल्ड्स ब्रेन स्टार्ट्स टू फॉर्म न्यू सर्किट्स इनसाइड द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स टू दैम इट टू नेविगेट एलाबोरेट सोशल इंटरेक्शन देखिए ये हमारे दिमाग का जो अगला हिस्सा है ये मेमोरी में कन्वर्ट होता है अब ये जो मेमोरी है इसके अंदर बहुत से सेल्स आपस में रिलेट करते हैं जुड़ते हैं और नए आइडियाज जो है वो बनाते हैं मतलब जो नई चीज़ हम देख रहे होते हैं वो हमारे दिमाग के अगले हिस्से में मुंतकिल होती जाती है फिर यह इट इज बिलीव डेट प्ले स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ द ब्रेन देखिए जैसे हम अर्ज कर रहे थे कि जब बच्चा खेलता है तो एक वक्त में बहुत सी चीज़ों पर तवज्जो दे रहा होता है ऑब्जेक्ट्स हैं क्या उनका स्टाफ कैसा है वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं उसको उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है उसकी कुछ डिसीशन मेकिंग भी चल रही होती है कुछ रीजनिंग भी चल रही होती है लॉजिक भी चल रही होती है तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए वो स्ट्रक्चर बनाता है जैसे मैंने अर्ज किया कि मुख्तलिफ सेल्स के अंदर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं जो प्याजे की जो थेरी है वो इसी पे कॉग्नेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर बनी हुई है कि शुरू शुरू में बच्चे जब सीखना शुरू करते हैं तो हर आइडिए का एक अलग बॉक्स बनता है और फिर बाद में वो बॉक्सेस एसिमिलेट हो जाते हैं मिल जाते हैं जैसे आप वो देखते हैं कि डॉग के चार टांगे हैं तो गाय के भी चार टांगे हैं तो वो उसको एसिमिलेट करते हैं कि अच्छा ये बड़ा डॉग है लेकिन बाद में एक वक्त आता है जब एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है और फिर उसको लगता है कि नहीं इसमें और उसमें साइज का फर्क है और शायद चेहरे के कुछ नकोश का भी फर्क है तो फिर वो समझ जाता है कि अच्छा ये गाय है और ये डॉग है या कुत्ता है वी नो दैट सिक्योर अटैचमेंट एंड स्टिमुलेशन आर सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट ऑफ ब्रेन डिवेलपमेंट प्ले प्रोवाइड एक्टिव एक्सप्लोरेशन दैट असिस्ट इन बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ब्रेन पाथवे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्टिव एक्सप्लोरेशन हम जो बच्चे हैं उनको खेल में जब इन्वॉल्व करते हैं तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं मसलन आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे जो लड़के होते हैं ख़ास तौर पर वो गाड़ियों को तोड़ते बहुत हैं या जो भी टॉय होगा उसको तोड़ रहे होंगे हम समझते हैं कि जी ये डिस्ट्रक्टिव हैं ये एग्रेसिव है एग्रेस एग्रे, है इनके अंदर और इस वजह से तोड़ रहे हैं दर हकीकत वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि इसके अंदर चीज़ें क्या हैं? इसकी मोटर किस तरह से काम करती है इसकी बाकी सारी चीज़ें किस तरह से हैं फिर प्ले क्रिएट्स फ्लैक्सिबिलिटी एंड इम्प्रूव पोटेंशियल फॉर लर्निंग लेटर इन लाइफ तो होता यही है कि खेल के दौरान डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करते हुए वो फ्लैक्सिबिलिटी सीख जाते हैं कि अगर ऐसे नहीं तो दूसरे तरीके से काम को किया जा सकता है सो so, हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर ज्यादातर अच्छे खेल पर मबनी है और इसी से नमू पाता है